हाय प्यारो साथियों, कैसे हैं? बिल्कुल अच्छे होंगे। जैसे कि आजकल यूपी में और अदर स्टेटों में एग्ज़ाम चल रहे हैं, 12 के बाद सब लोग सोचते हैं हम क्या करें, बहुत कंफ्यूज से हो जाते हैं, क्या करें, किस में एडमिशन लें, क्या सोचते हैं, बहुत तरीके से सोचते हैं। अगर आप फार्मेसी में एडमिशन या बी फार्मा में एडमिशन कराते हैं तो इसके लिए दो तरीके हैं। आप 12 पास हों, पहले गवर्नमेंट का एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए। आप अगर उसमें क्वालिफाई अधिक से अधिक अंक लाते हैं तो आपका श्योर है कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। होने का प्राइवेट में फीस जानते हैं बहुत ज़्यादा होती है, 1,20,000 तक या 1,50,000, 1,70,000। तो अपने कॉलेज पे डिपेंड करता है किस कॉलेज में कैसे फीस है। इसके लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए? बैचलर ऑफ फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स और साथ साथ इंग्लिश भी होना चाहिए। और कक्षा 12 में आपके या क्लास 12th में आपके जो 50% अंक मोर देन होने चाहिए। आप इसके कोर्स करने के क्या क्या स्कोप है, इसके क्या क्या आप कर सकते हैं? आप अपना फार्मा मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, एजेंसी बना खोल सकते हैं, कंपनी कोई खोल सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, हॉस्पिटल में किसी रह सकते हैं, किसी डॉक्टर के साथ आप खुद का किसी हॉस्पिटल में मेडिकल स्टोर डाल सकते हैं कोई पहचान का आपका हो तो। और इसके आयु क्या होती है, इसकी एज क्या होती है? 17 से 18 साल मोर देन मांगी जाती है। और बहुत से कॉलेजों में दिसंबर से, जो दिसंबर के दिन होते हैं 21 से, वहाँ से एज को काउंटिंग किया जाता है और वहीं से शुरू किया जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे वीडियो